हाउ टू मेक प्रोफेशनल चैनल आर्ट। यूट्यूब चैनल आर्ट कैसे बनाएं? चैनल आर्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले पिक्सेल एब एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। पिक्सेल एब ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ सेंटर में न्यू टेक्स्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और ऊपर टॉप पर डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। देन इसके बाद आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में थ्री डॉट वाले निशान पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके YouTube चैनल बैनर को सिलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद गाइस आपको ऊपर टॉप पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है और आप अपने डिवाइस की गैलरी में आ जाओगे। और आपको यहाँ से इस वाले टेम्पलेट को ऐड करना है। ये टेम्पलेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पर मैं जितनी भी टेम्पलेट्स, इमेजेस और फॉन्ट्स वगैरह को यूज करूंगा सबके सब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन इसके बाद आपको इस वाली टेम्पलेट को ऐड करने के बाद इसको बिना टच करे आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नीचे आना है और रिलेटिव साइज पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको इसकी विड्थ और हाइट को 100 कर देना है और राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कलर को इनेबल कर देना है और यहाँ से आपको व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है और राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको ऊपर टॉप पर इस वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वाली टेम्पलेट को लॉक कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है। देन इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको शेप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है और इसके कलर को यहाँ से ब्लैक कर देना है। देन इसके बाद आपको ऊपर राइट के निशान पर क्लिक कर देना है और इसके साइज को आपको एक्सटेंड करके बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर आना है और यहाँ से आपको टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको ऊपर टॉप पर इस वाले बटन पर क्लिक करके इस वाली टेम्पलेट को भी लॉक कर देना है। देन इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस वाली टेम्पलेट को यहाँ पर ऐड कर लेना है। देन इस टेम्पलेट को ऐड करने के बाद इसके साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सेंटर पर लाकर रखना है। देन इसके बाद आपको यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको बिल्कुल सेंटर में लाना है और ऊपर राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको इन तीनों बॉक्सेस को यहाँ पर टिक कर देना है और इन तीनों को टिक करने के बाद आपको नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन तीनों को यहाँ से आपको मर्ज कर लेना है। देन इसके बाद गाइस ये तीनों टेम्पलेट्स यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको इरेज कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। देन इसके बाद आपको नीचे टॉलरेंस को हाई कर देना है और ऊपर राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको ऊपर की ओर आना है और यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कलर को इनेबल कर देना है। देन यहाँ से आपको ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेना है और राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन गाइस इसके बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको फिर से इस वाले टेम्पलेट को ऐड कर लेना है। देन आपको रिलेटिव साइज पर क्लिक करके इसके विड्थ और हाइट को 100 कर लेना है और राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से लाइट ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप भी यहाँ से लाइट ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आपको फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इन दोनों टेम्पलेट्स को लॉक कर देना है और बैक आ जाना है। देन इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। यहाँ से आपको अपनी फोटो को ऐड कर लेना है या फिर आप चाहो तो अपने यूट्यूब चैनल का लोगो भी यहाँ पर लगा सकते हो। देन आपको यहाँ पर अपनी फोटो ऐड करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेंटर पर लाकर रखना है। देन इसके बाद आपको ऊपर की ओर आना है और यहाँ से आपको टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपकी पिक्चर को आपको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देन इसके बाद आपको फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस टेम्पलेट को भी यहाँ से लॉक कर देना है। देन इसके बाद आपको प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। सिंपली आपको इस न्यू टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने यूट्यूब चैनल का नेम टाइप कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ से इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस एबी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं इस माई फॉन्ट वाले सेक्शन में आता हूँ। देन यहाँ से मैं इस वाले फॉन्ट को यूज करूंगा। ये फॉन्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इनकेस अगर आपको पिक्सेल एब में फॉन्ट ऐड करने में कोई दिक्कत आती है तो इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ कि आप पिक्सेल एब में किसी भी फॉन्ट को बाहर से कैसे ऐड कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना। तो यहाँ से फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको अपने चैनल के नेम के साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको इसे लगा देना है। देन इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्ट्रोक को इनेबल कर देना है। इसके बाद आपको राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी इनेबल कर देना है और यहाँ नीचे ब्लर रेडियस को आपको 0 पर कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे दो सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। इसमें से आपको ऑफसेट एक्स को -4 पर लाना है
और ऑफसेट वाई को आपको प्लस टू पर लाना है और ऊपर राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है और यहाँ से आपको कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चैनल के नेम को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है और चैनल के नेम को रिमूव करके यहाँ पर आपको अपने चैनल की कैटेगरी डाल देनी है। जैसे मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर वाईटी टिप्स लिखा है, आप अपने चैनल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देन मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाकर सेट कर देता हूँ। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वाली टेम्पलेट को एड कर लेना है और इसके साइज को छोटा करके आपको इसे यहाँ पर लाकर कुछ इस तरीके से लगा देना है। देन इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से नीचे आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कलर को इनेबल कर देना है और यहाँ से आपको स्क्रॉल करके ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है और राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और सोशल मीडिया वाली टेम्पलेट को यहाँ पर आपको एड कर लेना है और इसके साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से आपको इसको यहाँ पर लाकर लगा देना है। देन इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और शेडो को इनेबल कर देना है। अब आपको फिर से प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इस न्यू टेक्स्ट पर डबल क्लिक करके आपको इसमें फॉलो मी हियर लिख देना है। फॉलो मी हियर लिखने के बाद आपको इस ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और फॉन्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको मीम फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको साइज को छोटा करके सोशल मीडिया की टेम्पलेट के जस्ट ऊपर लाकर लगा देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है। अब इतना सब कुछ करने के बाद गाइस आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वाली टेम्पलेट को एड कर लेना है। ये सभी टेम्पलेट्स दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन इसके बाद आपको इस टेम्पलेट के साइज को छोटा करना है और छोटा करने के बाद आपको इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाकर लगा देना है। कुछ इस तरीके से इसको लगाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कलर को इनेबल कर लेना है। देन इसके बाद आपको यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है और राइट के निशान पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको ऊपर की ओर आना है और यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसे यहाँ पर लाकर लगाना है, कुछ इस तरीके से आपको इसे लगा देना है यहाँ पर लाकर। इसे लगाने के बाद दोस्तों आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वाली टेम्पलेट को एड कर लेना है और इस टेम्पलेट के साइज को आपको छोटा करके कुछ इस तरीके से आपको इसको यहाँ पर लाकर लगाना है। कुछ इस तरीके से आपको इसको लगाने के बाद इसको यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है दोस्तों। कॉपी करने के बाद आपको इसे कॉर्नर से पकड़कर इसको घुमा देना है और इसको उल्टा कर लेना है। देन इसको आपको यहाँ पर लाकर कुछ इस तरीके से लगा देना है। अब इतना सब कुछ करने के बाद आपको ऊपर इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सभी टेम्पलेट को लॉक करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये ब्लैक वाली टेम्पलेट देखने को मिलेगी। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और फिर से आपको इस वाले बटन पर क्लिक करके बैक आ जाना है और यहाँ से आपको टू फ्रंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जो टेम्पलेट यहाँ पर पहले आउट हो रही थी, बाहर निकली हुई थी, वो सबके सब ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। देन अब इसके बाद आपको एक बार और लास्ट बार फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यूट्यूब के आइकन को एड कर लेना है और इसके साइज को छोटा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाकर आपको लगा देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है और स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और इसके बाद शेडो को भी इनेबल कर देना है। देन गाइस अब आपका प्रोफेशनल चैनल आर्ट रेडी है और ये आपके यूट्यूब चैनल पर लगने के बाद काफी ज्यादा प्रोफेशनल दिखने वाला है। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए आपको सिंपली सेव वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। आपका ये चैनल आर्ट सेव हो जाएगा और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो इसे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर लिया है और ये चैनल आर्ट देखने में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।